हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपकी फेवरेट रीडिंग लेके आई हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स यू वर्सेस देम रीडिंग, दोनों की एनर्जी हम चेक करेंगे कि इन 48 घंटों में आप और आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं और आप उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं। जो भी सिचुएशन निकल के आएगी वो मैं आपको बताऊंगी और गाइडेंस दूंगी। इससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ हीलिंग पेंडुलम वर्कशॉप के बारे में, जो 12th ऑफ फेब से लेके 15th ऑफ फेब, 4 डेज़ की ये वर्कशॉप है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेंडुलम के बारे में जानने में कि किस तरह से हम से यस नो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पेंडुलम होते हैं, ठीक है, डाउजर हम कहते हैं, पेंडुलम हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये इस वर्कशॉप में सीखेंगे कि हम इससे हीलिंग कैसे कर सकते हैं। और भी काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ मैं इसमें सिखाऊंगी आपको। 4 दिन की ये वर्कशॉप है, धीरे धीरे सिखाऊंगी, जल्दी नहीं है हमको सीखने की। ₹999 में ये वर्कशॉप होने वाली है, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूँगी, आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक मैंने बता दिया है यू वर्सेस देम, नेक्स्ट 48 आवर्स, सॉरी, ठीक है। ये है पाइल 1, मैं ध्यान से दिखा देती हूँ पास से भी ताकि आप सिलेक्ट कर पाए पाइल्स को। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको जो भी कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए। और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, यू वर्सेस देम रीडिंग, ठीक है। दोनों की ही एनर्जी बताऊंगी मैं आपके सामने। कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि आज आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। ठीक है, आपके लिए मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। द एम्परर आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आपने शायद बना रखी है। आपकी अगर मैं सिचुएशन बोलूँ तो इतना दिख रहा है कि आपने कोई डिसीजन लिया है, कोई एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हो। आप एक एम्परर पावर में हो। एक एम्परर वो होता है कि जो लॉजिक पे काम करता है, स्ट्रगल होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसे फैसले उनको लेने पड़ते हैं जो शायद उनके लिए लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ऐसे डिसीजन लेते हैं क्योंकि वक्त की डिमांड होती है कि उनको ऐसा ही करना चाहिए। और इस वक्त भी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको कोई स्टेबल एक्शन ही लेना है। अगर एक्शन नहीं भी ले सकते, आपको डिसीजन तो इस तरह से लेना ही है अभी अपने लिए कि जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। इस वक्त इमोशंस में मत आइए, आपको एम्परर एनर्जी में ही रहना है। अगर कोई प्लान आप बना रहे हैं और अगर आप किसी रिलेशनशिप को भी लेके ये देख ही रहे हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके, तो इस वक्त क्या करना है कि जो भी आपकी सिचुएशन बनी हुई है उसका चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है, अपना रिमोट किसी और को नहीं देना है। तो ये एनर्जी मैं आपको देख पा रही हूँ आपकी इस वक्त। अब मैं देख लेती हूँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ इस वक्त आपने जो डिसीज़न लिया हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, ठीक है। ऐसे ही आपको चार्ज इस सिचुएशन का अपने हाथ में लेना है, फैसले आपको खुद करने हैं, अपनी ज़िंदगी के मैच्योरिटी से डील करना है। अब मैं ये बताती हूँ कि आप इन 48 घंटों में अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचने वाले हैं। द चैरियट, ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, और बिल्कुल सही भी कर रहे हो।
यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और क्या हो रहा है कि इस वक्त आप जो डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, जो द एम्परर कार्ड हमारे पास था बॉटम ऑफ द डेक, तो द चैरियट भी मुझे यही दिखा रहा है कि आपको उस डिसीजन पे आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिलेशन से अगर आप थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही डिसीजन है। इस वक्त आप मुझे डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे लिखा है, तो यही दिख रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हो इस रिलेशनशिप में। अब आप अपने पार्टनर को उतना चीज़ नहीं करना चाहते हो, अपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख रहे हो इन 48 घंटों में। अगर आपके पर्सन आपसे आके कुछ अपने दिल की बात भी कह रहे हैं, तो आप अपने दिल की बात उनको खुद के नहीं बता पाओगे इस वक्त, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो कि आपको थोड़ा सा और वक्त चाहिए इस रिलेशन के बारे में, आप सोचने का समझने का अभी और वक्त चाहते हो इस रिलेशन पे। अभी आपने जैसे कि अभी फुल स्टॉप लगाया है कि देखते हैं आगे क्या होगा, आपने ऐसा सोचा होगा। 7 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है, अगेन ये वही चीज़ दिखा रहा है, सेल्फ कंट्रोल ही करते हुए आप मुझे दिख रहे हो अगेन। जैसे कि अब आप अपने पार्टनर के पास इस वक्त तो नहीं जाना चाहते, इस 48 घंटों में आप यही कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो कि इस वक्त थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए अपने पार्टनर से, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। और आपको अपने ऊपर यहाँ पे, अगर मैं मैसेज भी रीड करूँ, यहाँ पे मैसेज भी यही लिखा है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है, और बिल्कुल इस वक्त प्रैक्टिकल होके सोचिए, ओवर इमोशनल नहीं होना। अगर हो रहे हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। इस वक्त मैं आपको सेल्फ कंट्रोल की गाइडेंस देना चाहती हूँ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके अंदर फियर इश्यूज, इनसिक्योरिटी अगर अभी भी है कि कहीं आपके ऐसा करने से पर्सन दूर तो नहीं चला जाएगा, तब भी यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त आपको प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेना है और अपनी पावर में बने रहना है। आप इम्बैलेंस होते हुए भी दिख रहे हो कि डेफिनेटली आपको उस पर्सन से आपको वो सच्चा प्यार है, उससे दूर जाना इतना इजी नहीं है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए और कर भी रहे हैं इन 48 घंटों में आप। यहाँ पे मेरे पास कार्ड आया है 3 ऑफ माइकल का कार्ड है, तो अगेन यहाँ पे देखिए ऐसा तो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा गया है। अभी भी थर्ड पार्टी है, शायद आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के पास अभी नहीं जाना चाहते। इन 48 घंटों में मुझे आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हो। इस वक्त आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ की अलग प्रायोरिटी के बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ कंट्रोल में हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये रीज़न इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका दिल तोड़ा गया है थर्ड पार्टी की वजह से, उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से अभी आप उससे स्पेस चाहते हैं, अभी आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अगर अभी भी देखिए अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि नहीं वो पर्सन आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और आपको अपनी पास्ट की बातों को स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को। थोड़ा पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, उसको, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, उनको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप इस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल पाएंगे। टाइम के साथ साथ आपके जो वूंड्स हैं वो हील हो जाएंगे, ऐसा आपको गाइडेंस दी जा रही है। और मैं आपके पार्टनर के लिए भी देख लेती हूँ वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन बता दी है, अब मैं आपके पार्टनर की भी सिचुएशन बता देती हूँ। द सन कार्ड, आप उनसे दूर भाग रहे हो, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, काफ़ी हाई एनर्जी में है, काफ़ी पॉजिटिव है, इस वक्त वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इस रिलेशन की तरफ, इस रिलेशन को आगे और ग्रोथ चाहते हैं कि आगे ये रिलेशन बढ़े, ऐसा आपके पार्टनर की थिंकिंग है। आपके बारे में काफ़ी अच्छी हाई वाइब्रेशन मुझे दिख रही है, आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हैं इन 48 घंटों में। इस वक्त तो आप उनको जो बोलो वो आपकी बात मान भी जाएंगे। पेज ऑफ रफेल का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास, अगेन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कोई ऑफर आपको वो दे रहे हैं, फिर से वो नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं। 4 ऑफ माइकल का भी कार्ड आ गया है हमारे पास,
ये दिख रहा है कि आप जब वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ना, ये दो कार्ड देखूं और ये कार्ड देखूं, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया हमारे पास, थ्री ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आप वैसे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी आपको कि आपका जो दिल टूटा है, आपके पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेशन है, वो गिल्टी है। वो जब भी सोते हैं तो उनको आपका चेहरा दिखाई देता है, वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना इस वक्त। तो इस वजह से आप इस वक्त कोई भी उनके सामने कुछ भी बोलते हैं, आपकी बात वो मान जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई दे रही हो। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आप ही का ख्याल उनको रहने वाला है इन 48 घंटों में। बहुत से लोगों को उनका मैं आपके पार्टनर का मैसेज कॉल आ सकता है, फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं इन 48 घंटों में। काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन से दूर भाग रहे हैं और आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं इन 48 घंटों में। अगर आप चेज़र हैं तो देखिए वो रनर दिख रहे हैं, अगर आप रनर हैं तो वो चेज़र हैं, ऐसी सिचुएशन आपके अंदर बनी रहेगी इन 48 घंटों में। आपको काफ़ी इंट्यूशन भी होती होगी, आपके पार्टनर को भी इंट्यूशन हो रही है, जैसे कि उनको ये लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन काफ़ी स्ट्रोंग है और वो किसी भी हद तक ये रिलेशन नहीं तोड़ना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन हो ऐसा भी वो सोच सकते हैं। स्ट्रोंग कनेक्शन वो ज़रूर फील करते हैं। स्ट्रोंग कनेक्शन फील करने का मतलब यही होता है कि उनको लगता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ तो है कि मैं इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वो सोचेंगे 48 घंटों में कि ऐसी क्या वजह है। भगवान को प्रे करते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं आपके लिए इन 48 घंटों में, कि ऐसी क्या वजह है कि वो दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आज तक ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। इन सब बातों के सवाल वो यूनिवर्स से कर रहे हैं, गॉड से कर रहे हैं कि मुझे आंसर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि मैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, मैंने जिनकी भी रीडिंग करी है अभी पाइल वन में, तो ये जो सिचुएशन है आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। और आपके लिए मैंने गाइडेंस आपको दे ही दी है कि अपने इस टाइम को, अगर आपने स्पेस लिया भी है अपने पार्टनर से, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इस टाइम का आप यूज़ कीजिए कि आपके जो वूंड्स हैं पास्ट के उनको हील किया जाए, ये है आपके लिए गाइडेंस। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पाइल टू के बारे में, जिन्होंने ये डाउजर अपने लिए चूज़ किया था। चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि क्या होने वाला है इन 48 घंटों में, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स बताऊंगी और फिर आपके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ गैब्रियल, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ पे आप मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रही हैं, आप काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हैं, अपने पास्ट में काफ़ी कुछ सीख लिया है, स्ट्रगल करके आप यहाँ पे इस लेवल पे आए हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, चार्मिंग हैं आप, ब्रिलियंट हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, पैशन है आपके अंदर, अपने आप से प्यार है, ऐसी क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर इस वक्त नजर आ रही है, आपकी एनर्जी यही है बिल्कुल भी। जब कोई भी इंसान सेल्फ लव में होता है, देखिए उस टाइम वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रोंग होता है,
ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एनर्जी में बने रहना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में बने रहते हैं तो वाकई में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। क्वीन ऑफ वांड्स ऐसी एनर्जी होती है। अगर आप इस एनर्जी में आगे तो आपके अंदर इन कोडिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। सेल्फ लव इतना होता है कि दूसरों को आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आप किसी के पीछे नहीं जाते, दूसरे आपके पीछे आते हैं। ऐसी एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वांड्स की। चलिए अब मैं बता देती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचने वाले हैं इन 48 घंटों में। 10 ऑफ रेफल का कार्ड है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मुझे प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप। शायद अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ऐसा एक सपना मुझे दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ऐसा पॉसिबल भी है कि आप दोनों की 48 घंटे बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों अगर हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली ये 48 घंटे काफ़ी प्यार रहने वाला है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और इस वक्त यहाँ पे देखिए यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप के लिए ये 48 घंटे बहुत अच्छे हैं। अगर आप वक्त बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको अपनी फैमिली अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी डिज़ायर है कि आप ये सब चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन के साथ बात करने का मौका मिले, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, वो मिलने आए या आप उनको मिलने जाओ, ऐसा आपका मन होगा। पास की बातें भी याद आ सकती हैं आपको, जो आपने एक पल एक साथ बिताए हैं। इन 48 घंटों में ये सब कुछ होगा। 6 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में देखिए अगर आपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया है ना, तो अब वो टाइम ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अभी टाइम आ गया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कंग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशन। यहाँ पर रिलेशनशिप की हम रीडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो पास्ट आपके अगर कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यहाँ पे एंड होता हुआ मैं दिख रहा है मुझे कि यस ये टाइम अब ख़त्म हो रहा है, अब आपके रिलेशन पहले से बेहतर बनेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पर्सन को मिलने जा सकते हैं या आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। एंगेजमेंट का भी मैं कह सकती हूँ, अगर कुछ लोगों की यहाँ पे एंगेजमेंट और मैरिज की बात चल रही है तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ ऐसी बात चल रही है तो फैमिली के मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेवन ऑफ माइकल का कार्ड आया है यहाँ पे और आपको ना अपने पास्ट को भुलाने को बोला जा रहा है कि आपको अपना पास्ट को भुलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में फंसे रहे हैं, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो और जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसको भी एंटर नहीं करने दे रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों की बनी हुई है अभी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की तो मैरिज होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप कन्फ्यूज्ड हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं और आपको नहीं पता है कि मुझे किस रास्ते जाना है और आपने ईजी रास्ता आपने चूज़ करने के बारे में सोचा है। शायद दूसरा जो वे है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से टू वेज नज़र आ रहे हैं, एक रास्ता इधर को जा रहा है, दूसरा रास्ता इधर जा रहा है, ये काफ़ी स्मूथ है, सीधा रास्ता है, पक्की सड़क बनी हुई है, यहाँ पे कच्चा रास्ता है, जिगजैग है रोड, तो आपको शायद इसको आप चूज़ ना करने की बजाय आप इस रिलेशन की तरफ सोच रहे हैं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये इजी है, यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे इजी नहीं लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपको अगर पुरानी चीज़ों में अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि उस पर्सन से आपको प्यार है, आपको लग रहा है कि वो आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप किसी और रास्ते जाना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप उस
किसी और को प्यार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ रह नहीं सकते हैं, तो अभी भी आपके लिए गाइडेंस है। जो लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चॉइसेस का मैटर है, तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपके लिए बेटर ऑप्शन दी जा रही है, आपको उसको चूज़ कर लेना चाहिए। पास्ट को आपको भूल जाना चाहिए, आपको ईजी वे में नहीं जाना है, आपको वो काफ़ी सोच समझ के ऐसा डिसीज़न लेना है। और कुछ अकेले बैठ के सोचिए, अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप से पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आप हर चीज़ को अच्छे से देख के फिर डिसीज़न लीजिए कि आपको किसको चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो मैटर्स दिख रहे हैं, चॉइसेस दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड अपने आप आया है, 7 of Gabriel का। तो दिख तो रहा है कि आप थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और अपने लिए अभी स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि पुराने रास्ते या पुराने तरीके जो आपके हैं सोचने समझने के, वो अब तक अगर आपको कुछ नहीं हासिल हुआ है, तो ये टाइम आ गया है कि अब आपको नए डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आपके पार्टनर की भी देख लेती हूँ कि क्या आ रही है। आप शायद अपने पुराने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, एक्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो शादी का जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो कि मुझे वो हाँ पे हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी इंट्यूशन हो रहा है मुझे आपके। तो आपको अकेले में बैठ के सोचना है, आपको आंसर मिलेगा कि आपको वेट करना है या फिर अभी आपको मूव ऑन करना है। 7 of Ariel का कार्ड, ये जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड तब बाहर आया था, लेकिन मैंने इसको फिर से अंदर कर दिया, क्योंकि मैंने ये समझना था कि ये कार्ड किसकी तरफ से है, आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से। ये कार्ड आ गया है अब अगेन यहाँ पे, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त, पेशेंस में है, इस वक्त वेट कर रहे हैं वो किसी चीज़ का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो सही वक्त आएगा फिर वो आपको बताएंगे। इस वक्त वो काफ़ी सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं, उनका जो डिसीज़न होगा बिल्कुल सही होगा ऐसा उनको लगता है। आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त तो काफ़ी पेशेंस है, वो कोई भी जल्दबाजी अभी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि वो तुरंत एक्शन ले आपकी तरफ आए, तो अभी उनको टाइम लगने वाला है। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, इस रिलेशन के लिए, कि इस रिलेशन को कैसे सक्सेस करें, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं ऐसा भी दिख रहा है। इस वक्त देखिए, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो ऐसा तो दिख रहा है कि अगर पर्सन को आप चाहिए तो उनको अब अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लेना चाहिए, चार्ज उनको लेना चाहिए और इस सिचुएशन को उनको हैंडल करना सीखना चाहिए। बट वो क्या कर रहे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं और चुपचाप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि सही वक्त आएगा तो वो एक्शन लेंगे। और क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्वीन ऑफ रेफेल। देखिए, दिल में तो प्यार बहुत छुपा रखा है इस पर्सन ने आपके लिए, काफ़ी याद आने वाले हो आप इनको इन 48 घंटों में, आपके पार्टनर को बहुत याद करने वाले हो। 10 of Ariel का भी कार्ड आ गया है अगेन, यहाँ पे 10 of Rifle का कार्ड आया है, 10-10 दोनों की ही साइड है, तो इतना तो है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो। जो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, या सेपरेशन में भी हो, इस वक्त आप दोनों अपने फ्यूचर
अपनी शादी के बारे में सोचने वाले हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, ये आप सोचोगे, और आपके पार्टनर भी वही सेम प्यार, वही सेम मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है कि वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कि अच्छा एक टाइम स्पेंड किया जाए आपके साथ। और मैसेजेस मैं रीड करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए यही दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो उनको कोई अच्छी जॉब लग जाए या कोई अच्छा बिजनेस हो, फिर वो आपको हाँ करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है कि उनको फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्दी ही, और वो आप उसके बाद ही आपको बोलेंगे, अदरवाइज़ वो अभी बोलने के मूड में नहीं है जब तक कि वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो जाते, क्योंकि इन 48 घंटों में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहते हैं, और वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं जिसमें प्यार तो रहे ही रहे, साथ में पैसे भी रहें, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है। एक घर के बारे में सोचते हैं कि वो एक अच्छा घर देंगे, और अपने बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इन दोनों कार्ड्स की, देखिए इसमें भी एक कपल है और किड्स हैं, यहाँ पे भी देखिए दो पर्सन बैठे हैं, आप में से काफ़ी लोग सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का सपना एक ही है। इन 48 घंटों में आप भी यही सोचने वाले हैं और आपके पर्सन भी यही सोचने वाले हैं। यह है रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको मेरी रेटिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।